फ्रेंड्स, आप हमें जरूर लिखा कीजिए और हमें बताया कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। आप हमको बताएंगे तो हम इसे और इम्प्रूव करेंगे। ईमेल करने के लिए आपको हमारा ईमेल एड्रेस नीचे नजर आ ही रहा होगा। ओके, मुझे आपके ईमेल्स का हमेशा इंतजार रहेगा। और मुझे भी भाई बच्चों, जोया, ये तो ही ब्रेक से वापस आने की बात की बातें, और आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स भी हमें लिखने के लिए नत नई सजेशन सोच रहे होंगे, मगर इन द मीनवाइल शो तो आगे बढ़ाओ। ओ आई एम सो सॉरी डॉक्टर टिल्लू। फ्रेंड्स, शो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स से जिनको सब कहते हैं मिस किड्स। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वरीशा अंसारी है और मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। मुझे बचपन से ही शौक था नाते पढ़ने का और अब मैं नात ख्वा हूँ और मैंने चैनल्स पे जाकर नाते पढ़ी हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत अवार्ड्स हासिल हुए हैं। मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने नात पढ़ी, फर्स्ट टाइम मुकाबले में नात ख्वानी के चैनल पर, तो वहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैंने उसमें सेकेंड पोजीशन हासिल करी थी। इनाम जीतने के बाद मैं बहुत खुश होती हूँ और ये सब मेरा जो जितना भी मैं अभी आगे बढ़ चुकी हूँ वो सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से बढ़ चुकी हूँ। बाकी मैं जहाँ भी जाती हूँ नात ख्वानी के हवाले से, मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर जाते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है अपने पेरेंट्स की इतनी मतलब मुझ पर तवज्जो होकर और मैं इतना ऊपर जा चुकी हूँ माशाल्लाह से। इसके साथ साथ मैं पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि पढ़ाई भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं स्कूल्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर भी बहुत देती हूँ। मेरे चचा और मेरे दादा भी मेरे नात ख्वान थे लेकिन उन्हीं की वजह से मैं आज इतना बढ़ चुकी हूँ और मैंने उनको सीखा, जो भी उन्होंने मुझे सिखाया उनकी वजह से, जो भी मुझे थोड़ा बहुत बताते थे मैं उसको पिकअप करती थी और फिर उसके साथ पढ़ती थी। स्कूल की तरफ से ईद मिलादुन्नबी पर मिलाद हुआ था, उसमें मैंने मिलाद में पार्टिसिपेट करा था, उसमें मैंने नात पढ़ी थी। उसके बाद मैडम वगैरह भी जो हैं मुझे ही भेजती हैं नात ख्वानी के हवाले से मुकाबलों में। मैं जब नात पढ़ती हूँ तो आंखें बंद करके पढ़ती हूँ और तसव्वुर में सिर्फ गुम्बद खजरा और क्या कहते हैं मदीने मुनव्वरे की जानियाँ सब तसव्वुर में लाती हूँ और मुझे दिल को सुकून मिलता है, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नात ख्वानी पसंद थी। जहाँ भी मैं महफिल में जाती हूँ इसी नात की वजह से मुझे लोग सराहते हैं, इसलिए कि मैं नात जब भी पढ़ती हूँ मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे इस बात से दिल में खुशी होती है कि मैंने जो ये नात ख्वानी करी वो सिर्फ़ हमारे प्यारे नबी के लिए, और वो नात ख्वानी सबको बहुत पसंद आती है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे साहिबे जमाल कोई नहीं वो बे स्काउट की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था और ये नात काउंसिल ये 3 साल पहले हुआ था और ये मुझे सेकंड पोजीशन हासिल हुई थी। इसके अलावा ऑल मलीर बैनुल मदारिस मुकाबले की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था।
सबसे पहले मेरी ये शील्ड है जिसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और वो मेट्रो वन की तरफ से हासिल की थी। उसके बाद ये गाजियानी में मुकाबला हुआ था जिसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल करी थी और उसके बाद ये 2009 में था, स्पेशल पोजीशन मैंने हासिल करी थी और ये आर्ट काउंसिल में हुआ था। उसके अलावा ये मैंने मदरसे में अपने सेकंड पोजीशन हासिल करी थी, तो ये वो शेर है। वेरी इंप्रेसिव जोया, आई मस्ट से कि तुम लोग आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो, दिल देखकर खुश हो जाता है। बस आई प्रे टू गॉड कि पाकिस्तान के सब बच्चे ऐसे ही अपने बड़ों का नाम रोशन करें। भाई आज क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने अपने किसी स्पेशल ओकेजन की पिक्स नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी सर, भेजी है ना हमारे सेगमेंट एक दिन में। रियली? वाह भाई, ये हुई ना बात, तो चलो। वाओ भाई, ये पग्गी में बैठकर शहजादों की तरह कहा जाया जा रहा है। ओहो, ये तो आसफा है और ये सनावर और ये साकिब है, माशाल्लाह। फ्रेंड्स, आपको पता है इस इवेंट की एक खास बात भी है और वो ये कि ये अकीका है इन तीनों का। आसफा तो बिल्कुल परी लग रही है जबकि सनावर और साकिब किसी शहजादे से कम नहीं दिख रहे। भाई इन बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत खास अंदाज में इनका हकीका किया है क्योंकि वो बहुत खुश थे और क्यों ना हो, आखिर वो मामा बाबा भी तो हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने तमाम रिलेटिव्स को इनवाइट किया है और तमाम रिलेटिव्स ने तीनों बच्चों का बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। माशाल्लाह, तीनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनका अकीका इस तरह जो किया गया बहुत शानदार अंदाज में। भाई जोया, क्या बात है और क्या पिक्स थी भाई, इतने पोजेस और इतनी ठाट वाली, ट्रूली ग्रेट। ये ओकेजन तो वाकई बच्चों के लिए सारी जिंदगी मेमोरेबल रहेगा। भाई बच्चों, आपको अपने मम्मी पापा का खूब थैंक्स करना चाहिए, ये सब इन्हीं का प्यार जो है। अरे डॉक्टर टिल्लू, आप तो इमोशनल हो गए। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टिल्लू को संभालती हूँ, जब तक आ लीजिए छोटा सा ब्रेक। सी यू बैक इन अ व्हाइल।